ये सूचना दी जा रही है स्कूलों को, एक स्कूलों को नहीं, सब स्कूलों को, या तो सुधर जाओ नहीं तो सुधारना आता है। अगर हम अपना बच्चा एक घर में सेफ रहता है, अच्छा सुरक्षित रहता है, और स्कूल के हाथ में कोई छोड़ दे, स्कूल की बस में किसी को बिठा दिया जाए, तो स्कूल की जिम्मेदारी हो जाती है कि अब उसकी सेफ्टी का ध्यान रखे। अब ऐसे हवानियत यहाँ जैसे चल रही है, ऐसे तो बच्चे मरते रहेंगे। हम बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं कि मरने भेज रहे हैं? हम सुधार चाहते हैं, सीसीटीवी कैमरा भी चाहते हैं, हम अपने स्कूल प्रशासन से चाहते हैं कि ये अपने हर चीज पे सख्ताई बरते, कैमरे सीसीटीवी कैमरा लगाए। इसके अलावा जो लड़कियों का टॉयलेट है और लड़कों का टॉयलेट है, दोनों के बाहर एक आदमी और एक औरत गार्ड उपस्थित रहने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर केस टॉयलेट में आ रहे हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो 10% गरीब बच्चों को आरक्षित किया गया है, जिनको हर स्कूल पढ़ाएगा, तो उसकी हमें लिस्ट भी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि गरीब के चक्कर में अमीरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगी, ये तो आज हमारी सूचित, हमने सूचना दी है, एक हफ्ते का हम इन्हें टाइम देंगे। एक हफ्ते के बाद अगर ये नहीं सुधरेंगे तो पूरे के पूरे भारत में हम पूरे स्कूलों के तालाबंदी का काम करेंगे।